मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, एक हमने जो है हाई स्कूल में पढ़ा था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अब भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो भी हाई स्कूल में पढ़ा था उसका नाम था इक्विलेटरियन ज्योमेट्री। उसके क्या नाम था, दूसरा नाम क्या था उसका, इक्विलेटरियन, EUC इक्विलेटरियन, इक्विलेटरियन ज्योमेट्री, इक्विलेटरियन ज्योमेट्री है। और अब जो पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम, एक तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही है जो पढ़ेंगे, इसका नाम है कार्टेशियन ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। फर्क क्या है जो अब हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कार्टेशियन या एनालिटिक ज्योमेट्री, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो नाम इसका भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले का इक्विलेटरियन ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें क्या था इक्विलेटरियन, पहले हमने पॉइंट ये पढ़ा था, ये लाइन पढ़ी थी, फिर ट्राइंगल पढ़ा था, फिर रेक्टेंगल पढ़ा था, फिर ये कर्व पढ़ा था, ये इस तरह के ये। अच्छा, अगर इन फिगर को, इफ वी, इफ अगर इस ज्योमेट्री, ये पहले ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने हाई स्कूल में सीधी थी, अगर हम ज्योमेट्री को सोल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ अल्फा अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। If we solve with the help of algebra, that is called the coordinate geometry. क्या गया? If solve the geometry with the help of algebra, ठीक है, solve the geometry with the help of algebra. अब ये पढ़ेंगे हम, बस यही फर्क है, अब algebra की help से हम geometry को solve करेंगे, तो यही हम coordinate geometry पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हाई स्कूल में पढ़ ली और अब हम इसको जो है कोऑर्डिनेट एनालिटिक को अब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा की हेल्प से सोल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने एक होता है डायमेंशन, ये क्या होता है, वन डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, कितनी डायमेंशन होती है, डायमेंशन भी जो है ये क्या होती है, डायमेंशन इसके जैसे ये होती है, ये पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल, क्या होता है, जीरो पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल, पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल, जीरो पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल। और अगर ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्या होता है, वन डायमेंशनल, ये क्या होती है, वन डायमेंशनल, पॉइंट है तो जीरो डायमेंशनल, लाइन है तो वन डायमेंशनल, और अगर ये सर्कल है, ये दो से बना लाइन से ही है, ये मोड़ गई सर्किल है, ये इस तरह का है, दैट इज कॉल्ड टू टू डायमेंशनल। और अगर कोई ये जैसे ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, ये दैट सिलेंड्रिकल है या कौन है,
दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल। अच्छा और भी होते हैं डायमेंशनल, जैसे जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री, इसके अलावा भी होते हैं। हाँ, देयर आर एन डायमेंशनल फिगर, देयर आर ऑल्सो अवेलेबल इन एन डायमेंशनल, यानी एन डायमेंशनल तक भी हम जो है इसके स्टडी कर सकते हैं। कभी एन डायमेंशनल के बताऊंगा मैं आगे चल के, एक आधा एग्जांपल, ठीक है। तो ये जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, इस तरह की है होती है, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड ही इन डायमेंशनल पे करती है। देखो अब क्या है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है, कार्टेशियन, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, जैसे एक ये जो ये लाइन होती है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या बोलते हैं एक्स, जो ये इसको ये काटती है ये वाई अक्ष, जो ये वर्टिकल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी क्या बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, और जहाँ ये काटते हैं इसे बोलते हैं ओरिजिन, इसे क्या बोलते हैं ओरिजिन। ये एक्स है तो इसे क्या बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, क्या बोलते हैं, और इसे वाई है तो इसके नीचे क्या होता है वाई डैश, यानी एक्स दैट इज कॉल्ड टू द एक्स अक्ष एंड दैट इज कॉल्ड टू द वाई अक्ष, वेयर एक्स एंड वाई अक्ष काट एट परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड टू द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड टू द ओरिजिन। अच्छा अब अगर इसको मैं फिगर बनाता हूँ ग्राफ में, तो इधर क्या होता है, ये आता है इधर ही आता है प्लस प्लस, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन वी हैव द प्लस साइन, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू द माइनस। सिमिलरली अबाउट द ओरिजिन वी हैव प्लस साइन एंड वी हैव माइनस साइन, इट इज कॉल्ड द माइनस साइन। अब क्या है कोऑर्डिनेट, अब क्या है कि कोऑर्डिनेट, किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष, पहले क्या लिखते हैं एक्स अक्ष की डिस्टेंस, फिर वाई अक्ष कितनी डिस्टेंस है, फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट में कोमा लगा के क्लोज कर देते हैं। क्या कोऑर्डिनेट, किसी चीज के कोऑर्डिनेट किस तरह लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष से लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं एक्स अक्ष, फिर क्या लिखते हैं वाई अक्ष, फिर जो है इसको स्मॉल ब्रैकेट में लगा के क्या कर देते हैं इसको क्लोज करते हैं। अच्छा इससे पहले क्या है, ये देखो अब ये चार कोऑर्डिनेट बन गए, वन पहले तो वन टू थ्री फोर, क्या गए वन, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये फोर आ गया, कितने कोऑर्डिनेट बन गए हैं वन टू, वन टू थ्री एंड फोर बन गए। अब आगे क्या आता है, अब देखो अब इसके वन जो क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष, इस वन क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ है, पहले एक्स अक्ष ये एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये रहा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो इसके लिए क्या गया प्लस और इसके लिए प्लस, क्या आ गया प्लस प्लस। बहुत इजी चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट
थोड़ा सा लॉजिक लगा, समझ नहीं गया, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें वाई एक्स, जिसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी एक्स एक्स और वाई एक्स, यानी माइनस और फिर वाई एक्स ऊपर, इसमें क्या आएगा ये माइनस और माइनस, इसमें क्या आएगा ये माइनस और माइनस, इसमें थर्ड अक्षर में क्या आएगा ये, फोर्थ में क्या आएगा ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये इसके कोऑर्डिनेटर रहते हैं, इसके क्या रहते हैं कोऑर्डिनेटर हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टू द रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टू द, इस तरह का जो ये सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड टू द, ये क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अच्छा अगर ये कहे कि कोई पॉइंट, अगर ये कहे कि कोई पॉइंट कहाँ है, यहाँ है कि फाइव टू, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है फाइव टू, एक कोऑर्डिनेट की क्या है कोऑर्डिनेट है फाइव टू, कोऑर्डिनेट है इसके माइनस फाइव टू, ये कौन से कोऑर्डिनेट में, इन माइनस फाइव टू इन विच कोऑर्डिनेट, इन विच कोऑर्डिनेट लाइक द कोऑर्डिनेट माइनस फाइव टू वेयर इज द इन विच कोऑर्डिनेट लाइक, देखो वी सी दैट द एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज प्लस, इट मीन्स माइनस प्लस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड, इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड दैट माइनस फाइव एंड टू लाइव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर ये क्या है ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट है, यह ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट, अगर ट्रांस, अब मान लो कोई एक पॉइंट है, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वाई है, एक पॉइंट है इसके कोई कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है पी, एक कोई क्या है एक कोई पॉइंट, एक कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट है इसके कोई जो है एक्स वाई है, इसके पॉइंट कितने हैं एक्स वाई है, इसके एक कोऑर्डिनेट है कि एक्स वाई है, अगर इसको ट्रांसलेटेड करना है राइट, इसे ट्रांसलेटेड टू, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट, ट्रांसलेशन लिखे हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट, ऑफ के यूनिट एट द राइट, अब अगर इसको के यूनिट को इधर, यहाँ कोई पॉइंट है मान लें ये एक्स, इसको के यूनिट जो है ट्रांसलेशन करना है एट द यूनिट कितना है के, क्या आएगा एक्स प्लस के, क्या आएगा ये एक्स प्लस के कोमा वाई आ जाएगा, क्या आएगा ये एक्स प्लस के कोमा वाई आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट ऑफ राइट क्या आएगा एक्स प्लस के वाई, अगर ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट ऑन द लेफ्ट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट ऑन द राइट, ट्रांसलेशन ऑफ के यूनिट एट द लेफ्ट एक्स माइनस के कोमा वाई, ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस के वाई, इसके आ जाएगा एक्स माइनस के वाई, अगर इसी तरह सिमिलरली ट्रांसलेशन ऑफ द के यूनिट ऑफ k
क्या जाएगा टॉप, क्या जाएगा टॉप। आइए अब कह दो, अब कह दिया अब क्या आ जाएगा एक्स को जुगत में वाई प्लस के। सिमिलरली डाउन में क्या आ जाएगा वाई माइनस के। अगर ये क्या है ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कितने होते हैं 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं इस कोऑर्डिनेट में, एक्स ना देर इज नो एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात 0, 0। आगे बात यहाँ से आगे क्या है, अगर रोटेशन ऑफ चेंज, रोटेशन ऑफ एक्सेस अबाउट ओरिजिन क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सेस अबाउट ओरिजिन, रोटेशन क्या है रोटेशन ऑफ एक्सेस अबाउट ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सेस अबाउट ओरिजिन क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सेस अबाउट ओरिजिन क्या होता है, ये मान लिया ये तो एक्स है ये वाई है, इसके ये टेबल याद कर लेना, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाई है साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है रोटेशन ऑफ एक्स क्या होता है, अगर यहां से मान लिया x बराबर क्या आएगा, x बराबर x cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा x बराबर x cos थीटा माइनस y sin, यहाँ से y बराबर क्या आएगा यहाँ से x sin थीटा प्लस y cos प्लस के y x sin थीटा प्लस के y cos थीटा, मान लिया कोई है कि इसे किस तरह मान लिया कोई पॉइंट पी था, पी के कोई पॉइंट एक्स वाई था, इसको कोई एंगल जो है रोटेट कितना करा हमने थीटा करा, तो क्या आ गया
इस पे एंगल जो रोटेट करा थीटा इज द एंगल ऑफ द रोटेट, एंगल ऑफ रोटेट क्या आ गया, थीटा आ गया। तो क्या आ जाएगा ये x इक्वल टू, नहीं मैं क्या आ जाएगा x इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये क्या आ जाएगा, और x y इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इस टेबल से इसकी हम जो है इसकी जो है वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके, ठीक है भाई आगे बढ़े। एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, मान ले एक कोई पी पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, एक और कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, ये अगर पी है ये क्यू है तो पी क्यू क्या आ जाएगा, ये पी क्यू, पी क्यू क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है। अच्छा अगर कोई मान लिया एक कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट इसके जो है x1 कोमा 0 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 कोमा 0 है, इनकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इनकी डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा x1 तो ये रहा x2 ये रहा y1 ये रहा y2 ये रहा, तो क्या आ जाएगा ये भर के वैल्यू क्या आ जाएगी है, तो p2 डिस्टेंस मान ले अगर यही मान ले ये pq है p है ये q है, तो क्या आ जाएगा pq इक्वल टू क्या आएगा pq इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, ये क्या आ गया x2 माइनस x1, pq इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली सिमिलरली अगर कोई पॉइंट है, अगर मान ले एक पॉइंट है 0 y1 और दूसरे पॉइंट क्या है 0 y2, तो इनकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इनकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी p, ये भी p है मान ली ये भी q है, इसके लिए p की क्या आ जाएगी y2 माइनस y1, क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 आ जाएगी, इनकी डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 आ जाएगी, ठीक है भाई आगे बढ़े। एरिया ऑफ ए
ट्राइंगल, अब है एरिया ऑफ ए पॉलीगन या एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ अ पॉलीगन, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, इसमें है सबसे पहले एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? मान लिया तीन वर्टिसेस हैं, एक लेट ए कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हैं कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, एक तो एक्स वन वाई वन है, एक क्या है एक्स टू वाई टू है, एक क्या है एक्स थ्री वाई थ्री है, तीन वर्टिसेस हैं, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, वन बाई टू एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई थ्री एक्स टू एक्स थ्री वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई थ्री, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी, या वन बाई टू एक्स वाई वन माइनस वाई टू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये भी आ सकता है, ये भी एक फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एक और अगर डिटरमिनेशन में निकालनी है, अगर इसकी डिटरमिनेशन में वैल्यू निकालनी है तो किससे निकाल सकते हैं इसकी, या तो यह या एक और डिटरमिनेशन से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होता है ये वन बाई टू, क्या होता है वन, या तो ये कह दो और, या कह दो ये और, वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, इस डिटरमिनेशन की भी वैल्यू हम आपस में इस डिटरमिनेशन से हम जो है क्या निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, यानी एरिया ऑफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद कर लो, ये याद कर लो, या ये याद कर लो, ओनली सी है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब है एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ द एन साइड पॉलीगन, एरिया ऑफ
ये या वो एन साइड पॉलीगन, एरिया ऑफ एन साइड पॉलीगन, एरिया ऑफ एन साइड पॉलीगन किससे निकलता है भैया? जैसे वन बाई टू, जैसे क्या आता है वन वन बाई, ये वाला वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स एन वाई वन क्या आ जाएगा, ये एक्स एन वाई वन माइनस क्या आ जाएगा, एक्स एन वाई वन माइनस एक्स वन वाई एन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वन वाई एन की एरिया। एरिया ऑफ द एन साइड इससे हम जो है निकाल सकते हैं। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या आता है अब सेक्शन फॉर्मूला। फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है देखो भाई, अब मान लिया ये कोई लाइन है, ये ए बी के कोऑर्डिनेट हैं भैया, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू वाई टू है, इसको यहाँ से कोई पी पॉइंट पर कोई पी पॉइंट इंटरनली जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉइंट पी पे, या इंटरनली क्या करता है इसको डिवाइड करता है, क्या इंटरनली क्या करता है इसको डिवाइड करता है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है वो, मान लिया एम रेशियो एन, किस डिवाइड में रेशियो करता है एम रेशियो एन, एम रेशियो एन यानी ए पी अपॉन बी पी या पी बी इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की क्या आ गई एम लैम्डा, मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई है एम लैम्डा। इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या जाता है, इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या जाता है एम एक्स टू माइनस द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये क्या कहेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ पी इज इंटरनली डिवाइडेड, पी इज इंटरनली डिवाइडेड ऑफ ए बी इन द रेशियो ऑफ एम एन, एम एन के रेशियो में इसको इंटरनली डिवाइड करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे एम एक्स टू क्या आएगा, एम एक्स टू, एम एक्स टू माइनस द कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी
the coordinate of P if its divide AB in internally. अब अगर ए बी इसे इंटरनली डिवाइड करता है, किसे किसे डिवाइड करता है, पी को करता है. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इट्स डिवाइड ए बी इंटरनली, इंटरनली इसको डिवाइड करता है किस रेशो में, एम क्रॉस एन रेशो में, एम क्रॉस एन. देन क्या लगा, एम एक्स टू, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कोमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन. एक तो यू आ गए भाई, यू हो गया सेक्शन फॉर्म. अब अगर इसको जो है, इसको जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है, अगर क्या क्या करता है वो यहाँ ये आ गया. अब इसको अब क्या करता है, एक्सटर्नली डिवीजन, क्या है एक्सटर्नल डिवीजन. अब अगर कोई लाइन को जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या आ जाता है कि एम एक्स टू, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ये एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस सी आ गया. अच्छा अब क्या आ गया ये देखो, अब इसके एक्सटर्नली तो ये आ गए थे, एक्सटर्नली तो ये आ गए थे भाई इसके, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एम एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये तो हो गए एक्सटर्नली, नहीं इंटरनली. और एक्सटर्नली क्या आ गए थे इसके, या अगर एम एक्स टू बस माइनस आ जाएगी, अब अगर ये क्या है, अगर ये यूं कहे कि ये जो है मिड पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लो ये ए बी, ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब क्या कर रहा है, ये जो पी पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, पी पॉइंट जो है क्या है इसका मिड पॉइंट है, यानी कि अगर मिड पॉइंट है तो क्या जाएगा, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम अपॉन एन, ये इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट है तो एम लैंडा इक्वल टू एन लैंडा या एम इक्वल टू एन है तो क्या जाएगा, ये वन टू वन, क्या जाएगा वन रेज टू वन, ये वन रहेगा. अच्छा अब इसकी वैल्यू वन रख दूंगा मैं यहाँ, क्या जाएगा ये वन एक्स टू एक्स वन, क्या जाएगा ये वन एक्स टू, मिड पॉइंट क्या आ गया, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या जाएगा ये वन रेज टू एक्स टू प्लस वन रेज टू एक्स वन अपॉन वन प्लस वन, सिमिलरली वन वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन अपॉन वन प्लस वन, वन की एक्स टू में क्या आ गए, वन की एक्स टू मल्टीपल क्या आ गई, एक्स टू प्लस एक्स वन में एक्स वन अपॉन टू, वन की वाई टू में वाई टू, वन की वाई में वाई वन अपॉन टू, क्या आ गए एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू, ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ द एनी कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आ गया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू वाई टू प्लस वन.
अगर मान लिया ये एम एन का रेशियो क्या है, लैम्डा है, एम एन का रेशियो क्या है, लैम्डा है, इफ अगर कोई जो है ट्राइसेक्ट करता है, अगर क्या करता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच ट्राइसेक्ट ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन ए बी, ए बी को ट्राइसेक्ट करता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे, ये एक्स वन प्लस टू एक्स टू अपॉन थ्री, वाई वन प्लस टू वाई टू अपॉन थ्री, ये या क्या सकते हैं, या वाई वन प्लस टू वाई टू अपॉन थ्री या वाई टू प्लस टू वाई वन अपॉन थ्री। अगर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके, इसको ट्राइसेक्ट करता है, क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स टू पॉन थ्री, वाई वन प्लस टू वाई टू पॉन थ्री, इसके जाएंगे टू एक्स वन या और वी कैन से और या यू कह दो या तो ये क्या आएगा, टू एक्स वन प्लस एक्स टू पॉन थ्री, टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन थ्री, ये इस तरह हो सकता है, ठीक है भाई। ए पी अपॉन बी पी कह रहा है, अच्छा अगर ये जो है वन में है, वन वन, अब इसको ट्राइसेक्ट करता है तो इसकी ये बन, अगर मिड पॉइंट है तो क्या आएगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई पॉइंट वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और अगर ट्राइसेक्ट करा है एक्स वन प्लस टू एक्स टू अपॉन थ्री, वाई वन प्लस टू वाई टू अपॉन थ्री, या टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन थ्री, टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन थ्री, इस तरह हम जो है ईजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे अगर मान लिया भाई चांद ऐसा हो जाए ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा है, एम अपॉन एन की वैल्यू क्या जाए, लैम्डा जाए। अगर मान लिया ए पी अपॉन बी पी एम अपॉन एन की वैल्यू क्या जाए, लैम्डा जाए, बाई चांस क्या जाए, लैम्डा जाए, तो क्या जाएगा ये, यानी कि किस रेशियो में, ये लैम्डा वन, इसे लिखना है लैम्डा रेशियो वन, इसके नीचे रहेंगे लैम्डा अपॉन वन, ये लैम्डा, यानी कि ये अगर ये लाइन लैम्डा और रेशियो वन में करे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आएंगे, ये लैम्डा एक्स टू प्लस लैम्डा एक्स वन अपॉन टू, लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन, अब ये किसी भी चीज को देख के कि ये पॉइंट, सवाल ये है कि इंटरसेक्शन, मान लो कोई इंटरसेक्शन को फॉर्मूला दे रखा है कि ये पॉइंट है पी,
तो ये जो है एक्सटर्नली इसको इंटरसेक्ट करता है या इंटरनली डिवाइड कर इंटरनली इंटरसेक्ट करता है डिवाइड करता है इंटरनली। तो इसके लिए फॉर्मूला है इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन पी डिवाइड ए बी देन पी डिवाइड इंटरनली, पी डिवाइड इंटरनली, पी डिवाइड इंटरनली। इफ लैम्डा इज लेस देन जीरो देन पी डिवाइड एक्सटर्नली। अच्छा, यानी कि क्यू को जो भी इसका जो सेक्शन फॉर्मूला है, जो भी इसका डिवाइड का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे। लैम्डा इक्वल टू इनकी एम अपॉन एन, लैम्डा की वैल्यू क्या है एम अपॉन, जो एम अपॉन एन की वैल्यू, अब इफ अगर एम अपॉन एन की वैल्यू, यानी कि एम अपॉन एन की वैल्यू कह दो या क्या क्या दो लैम्डा, इफ एम लैम्डा इज इक्वल टू जीरो देन इट डिवाइड टू द इंटरनली, इफ एम अपॉन एन इज लेस देन जीरो इट डिवाइड टू द एक्सटर्नली, ये से एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल, डिफरेंट सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या है सेंट्रॉइड, पहले क्या है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है अगर ये ट्राइंगल है, ये क्या है ये ट्राइंगल है ये, और तीन मीडियन है ये, क्या है तीन मीडियन है ये क्या ये, जहां ये अगर तीन एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन पॉइंट हैं ए बी सी, अगर कोई ट्राइंगल है ट्राइंगल के कितने पॉइंट हैं तीन, तीन पॉइंट हैं ये, और ये तीन ही इसके अंदर क्या है मीडियन है, मीडियन क्या होती है किसी भी साइड को जो अपोजिट में है उसे हाफ कर देती है, क्या कर देती है
हाफ कर दीजिए। नहीं, ये रेशियो ये इक्वल ये वाली, इसके इक्वल ये वाली, इसके ये इसकी रेशियो इक्वल है। ये अगर इसका इस है, ये ऐसे सेंट्राइड है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसके क्या आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ इसके सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? एक्स वन क्या आएंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। ये यानी कि इनके जो मिड पॉइंट जो साइड जो मीडियन जो मिलती है, मिड पॉइंट की जो ज्वाइनिंग से मिलती है, या कि मीडियन से साइड की पार्ट का सेंटर्ड है, सेंटर्ड ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई कॉमा वाई वन। और ये जितनी भी ये जो तीन मीडियन है, ये ए डी भी मीडियन है, बी सी भी मीडियन है, इस पूरे ट्राइंगल को सिक्स इक्वल ट्राइंगल में क्या करती है? डिवाइड कर देती है, बांट देती है। मीन ऑल थ्री मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स। क्या है? मीडियन डिवाइड ऑल मीडियन डिवाइड ऑफ ए ट्राइंगल इनटू सिक्स इक्वल पार्ट। एक ही हो गया। तीसरा क्या है जी? एक होता है, अब इसके बाद है सरकम सेंटर। अब क्या है इसके बाद? क्या है सरकम सेंटर? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर में क्या होता है? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये मिड पॉइंट सी मीडियन जो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल है, इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर क्या है वो? सरकम सेंटर है, वहाँ क्या बनता है? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर भी हो और कैसा भी हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसका क्या क्या बनाता है? ये बनाता है ए है। ए है। ये 90 डिग्री है, ए है। मान लीजिए ये एंगल 2A बन जाएगा, ये कितना एंगल बन जाएगा? 2A, ये कितना है? 2B, ये क्या बन जाएगा? 2C है वाला। ये अगर इस तरह का कोई एंगल है, इस तरह का कोई ट्रायंगल है,
इस तरह का कोई ट्राइंगल है तो इसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, ये क्या जाएंगे एक्स वन साइन टू ए, यानी कि यानी कि ये भी ए होगा इधर का, ये भी ए होगा, तो सारे कितना होगा एंगल टू ए, क्या जाएगा एक्स वन साइन टू ए, क्या जाएगा एक्स वन साइन टू ए, क्या जाएगा एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी कोमा के लिए क्या आ जाएगा वाई वन साइन टू ए इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे इसके सर्कम सेंटर के और द कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आएंगे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब है ऑर्थो सेंटर, अब क्या है ये बाहर बनता है लेकिन होता है परपेंडिकुलर, और तो सेंटर कहाँ बनता है ये ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ये जो सेंटर सर्किल हो जाएगा ये, तो ये क्या कहलाता है ये है ऑर्थो सेंटर, क्या कहलाता है ऑर्थो सेंटर। जैसे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 tan a प्लस y1 x2 tan b, x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन क्या जाएगा tan a प्लस tan b प्लस के tan c। सिमिलरली y1 क्या जाएगा y1 tan a क्या जाएगा y1 y1 tan a y2 tan b y3 tan c upon अच्छा मिड पॉइंट जरूरी नहीं था, जैसे ये है ना इसमें ये ए, इसमें मिड पॉइंट से पहले तो ये मान ली ये है ये ए 90 डिग्री है हमारे ये है मान ली 90 डिग्री ए ये है ये, तो ये इसका ये जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड टू द ऑर्थो सेंटर, इसके फॉर्मूले होता है ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर हो गया ऑर्थो सेंटर हो गया नियो, ये अगर मान लिया
अगर मान लिया इफ ए ट्राइंगल और द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इफ एच, ऑर्थो सेंटर इफ एच है और सेंट्रॉइड जी है, सेंट्रॉइड है जी, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड है इसका जी और सर्कम सेंटर है ओ, एक और ट्राइंगल है उसका और तो फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फोर इक्विलेटरल, फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए और तो सेंटर एच है और सेंट्रॉइड कितना है जी है और सर्कम सेंटर क्या है ओ है, क्या है तो क्या होता है एच जी, एच जी रेशो जी ओ इज इक्वल टू टू रेज टू वन, टू रेज टू वन यानी किसी भी ऑर्थो सेंटर और इसकी मल्टीप्लाई एच जी, एच जी रेशो जी ओ इज इक्वल टू क्या है टू रेज टू टू रेशो वन। अगर कोई मान लिया कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन है, एक दूसरे कितने एक्स टू वाई टू, वर्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं। इफ वी हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइंगल, इसके किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी ट्राइंगल के ये कोऑर्डिनेट हैं और सर्कम सेंटर इसका कितना है जीरो जीरो, क्या अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है और कोई सर्कम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितना है जीरो जीरो है, जीरो जीरो है, देन ऑर्थो सेंटर इज, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई, इसका ऑर्थो सेंटर ये होगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ये होगा। अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये कोऑर्डिनेट है, इसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो हैं तो उसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ये होंगे। आगे बढ़े, अब है इन सेंटर, अब क्या होता है इन सेंटर, अगर मान लिया कोई इन सेंटर, इन सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोई ट्राइंगल है कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2
y2 इसके अगर मान ले बी सी ए हो, ये क्या हो सी हो, ये क्या हो बी, यानी कि बी सी इक्वल टू ए, यहाँ ध्यान रखें ए है, ये सी है, ये बी है, और इन सेंटर किसका बनता है जब इनका एंगल का बाय, इनके एंगल का बाई सेक्टर, एंगल ऑफ द बाई सेक्टर, एंगल ऑफ द बाई सेक्टर इसके ए, ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये भी दोनों इक्वल होंगे। अगर मान लिया थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा टू होगा, ये भी थीटा टू होगा, ये भी थीटा थ्री होगा, ये थीटा थ्री होगा इस तरह। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए एक्स वन, क्या जाता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा ए वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मान ले क्या है, एक को ये, एक को ये ट्राइंगल है, इसको इंटरसेक्ट करता है ये सर्कल ही, ये सर्कल क्या है, इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, सर्कल को क्या करता है इंटरसेक्ट कर रहा है इस रेस ए, एल पॉइंट पर, किस किस पॉइंट पर कर रहा है, मान लियो एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एल में, इसका मान लिया एल का पॉइंट जो है किस रेशो में कर रहा है, मतलब बी सी में कर रहा है, रेशो बी सी में, रेशो बी सी में, बी एल अपॉन एल सी इक्वल टू बी अपॉन सी में, इस रेशियो में कर रहा हो बी अपॉन सी में, तो इसका क्या आ जाएंगे इसके पॉइंट, इसके पॉइंट आ जाते हैं माइनस ए एक्स वन माइनस ए वन ए एक्स वन प्लस बी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब ये माइनस ए आया यहाँ तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली अब इसमें क्या आ जाएगा ए माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री माइनस के ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा अगर इसको इस तरह रेशो में डिवाइड कर रहा। अगर टू एक्स सेंटर मान लिया, ये मान लिया पहले एक्स सेंटर मान लिया आई वन है, अब इस तरह भी हो सकता है ये, अभी ये इधर भी टच कर सकता है, यहाँ भी सर्किल बन सकता है, ये यू
तो मान लिया इसका सेंटर ये है आई टू है, इसका जो सेंटर है इधर बनेगा मान लिया ये कितना बनेगा यहाँ मान लिया आई थ्री, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आई टू, कोऑर्डिनेट ऑफ आई टू, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ आई टू एक्सटेंडेड जो एंगल जो क्या क्या आ जाएगा आई टू कितना आ जाएगा ये ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ए माइनस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरह सिमिलरली ही कैन से आई थ्री इज इक्वल टू क्या जाएगा ये आई थ्री क्या जाएगा ये ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री ए वाई वन ये आ जाता है। देखो आगे इस तरह जो है डिफरेंट सेंटर ऑफ द सर्किल है ये हम जो है निकाल लेते हैं। जैसे एक इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं अभी जैसे क्या क्वेश्चन है ये if the circumcenter of a triangle lies on origin, if the circumcenter of a circle lies on the origin at the centroid is the middle point and the centroid is joined and centroid is the middle point if centroid is the middle point of joining if the and centroid is the middle point of joining the points joining the points कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन और टू ए एंड 2AA and 2AA and 2AA find the ortho center kya hai bhai देखो क्या सवाल है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल लाइज ऑन द ओरिजिन। अगर एक सर्कम सेंटर के अगर सर्कम सेंटर है तो उसकी क्या है ये हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएंगे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ऑफ किसके हो गए सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और इसका मिडिल पॉइंट है ये किसका है मिडिल पॉइंट ऑफ किसका है
ए स्क्वायर प्लस वन और इसका, इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा, क्या है इसका मिडिल पॉइंट, इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द इतने सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू ऑन टू, वाई वन प्लस वाई टू ऑन टू, ये आ जाएगा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ आर ट्राइंगल, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए अपॉन टू, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए अपॉन टू, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया ए माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू, याद, और हम क्या जानते हैं एच जी इंटू जी ओ इन रेशियो कितने है, टू वन, एच जी और जी ए जी ओ रेशियो क्या है, काटती है ये टू इंटू रेशियो वन में काटती है। अब इसका सेक्शन फॉर्मूला कर लेंगे, अब इसका क्या कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कर लेंगे, क्या कर लेंगे, देखो एक्स वन तो ये रहा, एक्स टू ये रहा, वाई वन ये रहा और वाई टू ये रहा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब इसका क्या, अब इससे जो है फॉर्मूला जाएगा, क्या जाएगा फॉर्मूला, अब कोर्स सेंटर एच, देखिए कोर्स कोऑर्डिनेट ऑफ द, कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर एच, एच के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इधर टू ले टू वन ये है, और जो है ये जो है ये के कोऑर्डिनेट निकल, ठीक है, तो निकाल लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली हम इसके जो है, उसके जो है ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं, तो इसी तरह ये सेंटर निकाल ले, और ठीक है आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो जो है पूछ लें, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।